नमस्कार, मैं हूं श्वेता ठाकुर, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। बीजेपी की बल्ले बल्ले, जी हां, एक बार फिर से दिल्ली का जो दंगल था वो बीजेपी ने लगभग मार लिया है, ऑलमोस्ट मार लिया है। जो आंकड़े हैं आपके सामने आपको हम दिखा दें, फिलहाल ये रुझान है जो कि बहुत जल्द नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो 180 तक पहुंच गई है, 180 सीटें बीजेपी के पास। कांग्रेस की बात करें तो 35 और आम आदमी पार्टी 45। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हालांकि मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरे और तीसरे नंबर की ये पार्टी कोई बनके उभरेंगी? कांग्रेस के लिए एक तरह से जो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, जो नतीजे हमने दिखाए थे उससे कई ज्यादा कांग्रेस को यहाँ पर मिली है। तो लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि शीला दीक्षित ने जो हार का एक तरह से ठीकरा है वो अजय माकन पर फोड़ा है। अजय माकन को लेकर काफी लास्ट तक कई बातें सामने आ गई थी। जो कार्यकर्ता हैं वो काफी रुष्ट नजर आ रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर काफी सवाल उठा था कि अपनी मनमर्जी का टिकट दिया है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सब कुछ यहाँ पर किया है। 10 साल का राज यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, कहीं भी अगर लंबे समय तक किसी की सरकार रहती है तो ये फैक्टर एक बहुत बड़ा सा हो जाता है, वो है एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, अपने तमाम जो उनके पहले से पार्षद थे उन सभी को हटा के नए चेहरे एक तो वो लेकर आई। दूसरी बड़ी बात उसने ये किया कि इस बार भी मोदी का चेहरा यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे आगे करते हुए जो एक मूल मंत्र दिया पूरे देश में, विकास की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, दिल्ली में भी उसी एजेंडे के साथ बीजेपी ने आगे चलना सही माना और वो कहीं ना कहीं क्लिक कर गया दिल्ली की जनता को, और वो है सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए और जो नतीजे आए उसमें उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उसमें जिस तरह से भारी बहुमत प्रचंड जीत बीजेपी को मिली और पूरे देश में लगभग आधे देश में, क्योंकि 13 राज्यों में आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री आज के समय में हैं। ऐसे में जो केसरिया हर तरफ दिख रहा है उसमें काम भी अब दिखना शुरू हुआ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी तो अपने एजेंडे पर काम कर ही रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। योगी आदित्यनाथ का इफेक्ट भी थोड़ा बहुत आपको दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरे, लोगों से हमने बात की तो लोगों का यही कहना था कि हमें किसी भी तरह की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। दरअसल जनता को कभी राजनीति से मतलब होता ही नहीं है। उनके लिए जो उनकी मूलभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, वो उन्हें चाहिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती सरकार से। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर क्या किया कि अरविंद केजरीवाल ने वादे तो बहुत दिखा दिए, सपने तो बहुत दिखा दिए दिल्ली की जनता को, लेकिन लगभग 2 साल होने को आए हैं, दिल्ली की जनता परेशान है, त्रस्त है अरविंद केजरीवाल की सरकार से, क्योंकि जब भी कुछ नहीं होता है वो सीधे दोषारोपण कर देते हैं केंद्र पर। पैसे नहीं मिल रहे तो केंद्र नहीं दे रहा, काम नहीं हो रहा है दिल्ली में तो केंद्र की वजह से नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई तो मोदी की वजह से गड़बड़ी हुई। इस चीज से जो जनता है वो काफी त्रस्त थी, वो काफी परेशान थी। इसी वजह से दिल्ली की जनता जो है उसने फैसला ये किया कि एक बार फिर से, ये अलग बात है कि दिल्ली की जनता एमसीडी का जो भी पिछले 10 सालों में काम हुआ है उससे बहुत खुश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता दें कि दिल्ली की जनता जो है उसने एक बार फिर से विश्वास जताया है बीजेपी पर, और विश्वास ये दरअसल किसी खास चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर से वो चेहरा जिस पर देश की जनता विश्वास करके प्रचंड बहुमत 2014 के लोकसभा चुनाव में जिसने जताया था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें 2017 जो ट्रेंड से 181 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए लगभग केसरिया, आप देख सकते हैं ये आधा केसरिया हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये नतीजों में भी कन्वर्ट होगी। कांग्रेस दूसरे और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। अब इन दोनों में सिर्फ देखना होगा दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी कौन सी बनती है, अदर्स के खाते में बहुत कम है। चलिए मार्जिनल 2017 की बात की, 2012 के अगर आप देख लें आंकड़े तो 2012 में आप देख सकते हैं 138 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और उसके बाद कांग्रेस और अदर्स। तो यहाँ पर सोचने की भी ज़रूरत है, विचार करने की भी ज़रूरत है कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को एक तो सबसे पहली बात कि फोकस करना होगा अपने काम पर, जो उन्होंने वादे किए थे जनता से उसको कॉन्सेंट्रेट करे, उस पर वो काम करे, अपने वादे को पूरा करे। कांग्रेस को अंदर खाने, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे अरविंदर सिंह लवली, अरविंदर सिंह लवली का बीजेपी में जाना खुद
जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अभी तक नहीं पचा पाए हैं। तो ये अलग बात है कि शीला दीक्षित ये कह रही हैं कि ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि विचारधारा की बात होती है कि आप इतने लंबे समय से जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे उससे एकाएक आप बाहर निकल कर आप कैसे बीजेपी में जा सकते हैं। अंदर खाने खबरें ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी से भी कई जो लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हर जगह केसरिया केसरिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि देश की जनता का नब्ज टटोलना, देश की जनता चाहती क्या है? अगर बीजेपी को ये मैंडेट दे रही है जनता तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और वो एक है कि उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ विकास, डेवलपमेंट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तमाम अपडेट्स, तमाम लाइव्स फेसबुक लाइव पे मेरे साथ।